हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं WPE के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि WPE होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये हमारा एक सब्सट्रेट रहा होगा, ये हमारा सब्सट्रेट है यहाँ पर, और ये सब्सट्रेट है पी टाइप का। अब पी टाइप का जब सब्सट्रेट है तो यहाँ पर अंदर हमको एक बेल बनाना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि हम यहाँ पर पी टाइप की डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर पी सब्सट्रेट है तो इसमें हम केवल एन टाइप के डिवाइसेस ही बना सकते हैं। अब जब हमारा पी टाइप के डिवाइसेस बनाने के लिए एन बेल फार्म करेंगे, तो उसके लिए एन बेल फार्म करने के लिए हमें पहले चाहिए कि यहाँ पर कंसंट्रेशन एन टाइप का बने अंदर। तो उसके लिए हम डोपिंग करते हैं। और डोपिंग क्या करते हैं? पहले ऑक्साइड बनाएंगे, डिपॉजिट करेंगे सब्सट्रेट के ऊपर, फिर उसके बाद फोटो रजिस्ट लेयर, फिर उसके बाद यूवी लाइट के और मास्क के यूज से हम वो पैटर्न डेवलप करेंगे। और पैटर्न जब डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, ये पैटर्न हमारा डेवलप जब हो जाएगा, तो उसके बाद एच करेंगे। और एचिंग के थ्रू हम ऑक्साइड लेयर को भी रिमूव करेंगे। और जब ऑक्साइड लेयर भी रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डोपिंग। तो एन बेल फार्म करने के लिए एन टाइप इम्प्योरिटी हमें डोप करना होता है सब्सट्रेट में। हम वो प्रोसेस 90 डिग्री के बजाय हम उसको टिल्ट करके कुछ एंगल पे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि हमारा कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है वो पर्टिकुलर, उसका एक शेप होता है, एक एटम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा एटम है जो ये स्ट्रक्चर क्रिस्टल बना रहा है। अब इस क्रिस्टल बना रहा है तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि बीच में ये पूरा जगह खाली है। ये इसमें वो बॉन्डिंग कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा एक दूसरे से, तो ये वाला जो बीच का एरिया है ये खाली है। अब यहाँ पर अगर किसी तरीके से कोई डोपेंट आ रहा है और उसको ये पाथ मिल गया तो ये रुकेगा ही नहीं और ये चला जाएगा अंदर तक। ये भी यहाँ पर चला जाएगा अंदर तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो डोपेंट हमारा आ रहा है वो किसी भी एटम से टकराने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा उसको खाली पाथ मिल रहा है। अब खाली पाथ मिलेगा तो ये डायरेक्टली आएगा, मतलब इस एटम को कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है चैनलिंग इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इसको एक चैनल मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है, उसके थ्रू हमारा जो डोपेंट था वो अंदर तक चला गया, लेकिन हमको इतने गहराई तक जाना ही नहीं। यहाँ पर देखिए कि अगर कोई मान लीजिए कि अगर आपने डोप किया और वो इसकी बजाय यहाँ रुकने की बजाय यहाँ रुकने की बजाय यहाँ रुकने की बजाय वो यहाँ तक पहुँच गया तो क्या होगा? तो हमारा यनबेल तो कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको एक एंगल पे डोपिंग किया जाता है, ताकि वो हमारे यनबेल को एक सर्टेन डेप्थ तक ही बनाए। तो यहाँ पर इसीलिए इसको 7 डिग्री पर डोप किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ डोपेंट हमारे आते हैं और वो यहाँ पर जो हमारा फोटो रजिस्ट लेयर होता है उससे टकराते हैं, और उससे टकरा करके रिफ्लेक्शन के थ्रू वापस आते हैं और डोप होते हैं हमारे सब्सट्रेट में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये ऑक्साइड लेयर से टकराएगा, तो यहाँ पर फोटो रजिस्ट लेयर से टकरा करके यहाँ पर इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे डोपेंट्स ज़्यादा आ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के थ्रू जो हमारा फोटो रजिस्ट लेयर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के यनबेल फॉर्म कर रहा है। तो इस रीजन में ज़्यादा डोपेंट्स होने की वजह से अब यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे इस रीजन में, और इस रीजन में यूनिफॉर्म हमको मिलेगा नियर अबाउट, और इस रीजन में भी डोपेंट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैरियर कंसंट्रेशन सभी जगह इक्वल नहीं है। अब यही हमारा कहलाता है बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि जो ऑक्साइड लेयर है और फोटो रजिस्ट लेयर है वो हमारा कवर करता है अनएक्सपोज्ड एरिया को, मतलब जो हमारा डोपिंग के लिए एक्सपोज नहीं हो रहा है एरिया, उस एरिया को कवर किया जा रहा है ऑक्साइड और फोटो रजिस्ट लेयर के द्वारा। तो जैसा मैंने बताया कि 190 डिग्री पर एंगल पर हम डोपिंग नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल पर करते हैं 7 डिग्री एंगल, वो चैनलिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। और ऑक्साइड और फोटो रजिस्ट लेयर के द्वारा रिफ्लेक्शन हो करके हमारे जो डोपेंट होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेशन बना लेते हैं, तो इसी वजह से हमारा अनयूनिफॉर्म डोपिंग मिल जाता है यनबेल में, और वही हमारा कहलाता है बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब हम बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से बचेंगे कैसे? हम जब लेआउट डिजाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम कुछ ध्यान रख करके
इसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ये तो बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होना ही होना है फैब्रिकेशन के दौरान। बस हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपना लेआउट डिजाइन करेंगे उस वक्त हमें चारों तरफ स्पेस देना है थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका एन बेल है, तो ये हमारा एन बेल बना हुआ है और ये हमारा सब्सट्रेट है, तो ये हमारा सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट काफी बड़ा होगा। और यहाँ पर जब ये एन बेल बना तो यहाँ पर हम डिवाइस बगल में ही नहीं प्लेस करेंगे, जो हमारा एन बेल का एज है वो दोनों एज से हम थोड़ा सा दूरी बना करके अपने डिवाइस को प्लेस करेंगे। तो अगर सेंटर में या थोड़ा एन बेल से सर्टेन दूरी बना करके हम अगर अपना डिवाइस प्लेस कर रहे हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हमारा यहाँ पर जो डोपिंग रहती है एन बेल की वो यूनिफॉर्म मिलती है, तो हम इस तरीके से अपने बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। खासकर अगर आप मैचिंग कर रहे हैं डिवाइसेस का तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेल से जो भी डिवाइसेस का मैचिंग करना है वो इक्वल दूरी पर हो, तो इस प्रकार से हम अपने बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो बेल में जहाँ पर यूनिफॉर्म डोपिंग है वहाँ पर डिवाइसेस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर अगर डिवाइसेस प्लेस हो तो वो डायरेक्टली थ्रेशोल्ड वोल्टेज को इफेक्ट करेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये केवल एन बेल के लिए ही होता है? नहीं, ये किसी भी टाइप का बेल हो, चाहे वो एन बेल हो या पी बेल हो, जनरली हम लोग एन बेल ही फॉर्म करते हैं जिसमें हमारे पी डिवाइसेस पी मॉस्फेट बैठते हैं। बट अगर जरूरत पड़ गई कि आपको डीप एन बेल की जरूरत पड़ गई, उस केस में डीप एन बेल के अंदर आपको पी बेल की जरूरत पड़ती है, और उस पी बेल को अगर हम बनाएंगे तो उस केस में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर भी आपको बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलेगी, तो वहां पर जो डिवाइसेस प्लेस होंगे वो बेल एज से थोड़ा दूर होने चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।